दोस्तों जय हिंद जय भारत। कभी आपने सुना है कि कभी कोई सत्य हारा हो या जो सत्य के लिए लड़े हैं वो कभी हार गए हों झूठे बेईमान और ठगों के खिलाफ। शायद आपने नहीं सुना होगा ऐसा, न कभी देखा होगा, न कभी ऐसा होता है। जो सत्य के लिए लड़ते हैं वो अंततः जीत ही जाते हैं। शर्त केवल इतनी सी होती है कि आप लड़ो। लड़ोगे ही नहीं, पहले ही हार मान लोगे तो फिर जीतोगे कैसे? तो दोस्तों यदि जीतना है तो आपको लड़ना तो होगा, और ये उदासीनता का भाव, ये आलस छोड़ना होगा आपको। क्योंकि मनुष्य का अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो तीन चीजें हैं। पहला उसका झूठ, तीसरा उसका लालच, वो दूसरा उसका लालच और तीसरा उसका आलस। आपको ये तीनों चीजें छोड़नी होंगी, झूठ बोलना, लालच और आलस्य। आप इन तीनों को त्याग कर अपनी मेहनत की कमाई की वापसी के लिए लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, चाहे वो ठग हो या ये बेईमान सिस्टम हो। सबको आपके समक्ष पराजय स्वीकार करनी होगी, आपकी मेहनत की कमाई आपको वापस करनी होगी। ये जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के लिए हमारा संघर्ष है, लड़ाई है इसको लागू करवाने के लिए, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, कोई बाइक पोर्ट वालों की लड़ाई नहीं है, हेलो टैक्सी वालों की लड़ाई नहीं है, ये उन तमाम लोगों की लड़ाई है जिनके साथ भी किसी भी ठग कंपनी ने, ठग सोसाइटी ने, ठग ग्रुप ने कोई धोखाधड़ी की है, उनके धन को हड़पा है किसी भी तरह से। तो ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए, आपके धन की वापसी के लिए, हम जो आगामी 9 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे संसद मार्च कर रहे हैं, संसद भवन जंतर मंतर नई दिल्ली पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, इसमें आप सबका आना अत्यावश्यक है। आइए साथियों, जीत जाओगे, आपके पैसे को कोई भी हड़प नहीं पाएगा। जय हिंद जय भारत।